हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ काजल। जायकेदार रसोई में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नया लेकर आए हैं। हम बनाते हैं पनीर कोफ्ते। चलिए हम बनाते हैं पनीर कोफ्ते और हम ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत इजी तरीके से बहुत जल्दी हम पनीर कोफ्ते बना लेंगे। और तो हम चलते हैं पनीर कोफ्ते बनाने के लिए। तो पनीर कोफ्ते बनाने के लिए हमने लिया है पनीर और ये हमारा आलू। तो पनीर से आधा आलू लेना, पनीर से मुझे कम आलू लेना है। तो ये पनीर और आलू को मैं मैश करती हूँ। इस तरीके से इनको मैश कर देते हैं। आप चाहें तो आलू को कद्दूकस भी कर सकते हैं, तो उसमें गांठे नहीं पड़ेंगे। आलू में गांठे नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ये देखिए, तो इस पे ये हम नमक ऐड कर रहे हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हम डालते हैं। इस पे थोड़ी सी हम डालते हैं रेड चिली, लाल मिर्च पाउडर ये डालना है। अब इसको हम मैश करेंगे और हमें इस पे कुछ भी नहीं डालना है। अब हाँ, इस पे हम थोड़ा मैदा डालेंगे। ये हम गोलियां हमारी फटे नहीं, आलू और पनीर से हमारी गोलियां सही नहीं बनेंगी, फट जाएंगी। तो हम इसमें थोड़ा मैदा ऐड करते हैं। आप चाहें तो भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं या कॉर्न फ्लोर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप इस पर ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा मैदा यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसको हथेलियों से थोड़ा एक बार मैश कर लिया आलू को, कहीं इनमें गांठें ना रह जाएं। अब इनकी हम गोलियां बनाना शुरू करते हैं। ये गोलियां हम छोटी बड़ी अपने हिसाब से बना सकते हैं गोलियों को। ये देखिए, इस तरीके से हमने ऐसे गोलियां बना के रख लेनी है। गोलियों को इस तरह से हमने तैयार कर लिया और ये मैंने सूखा मैदा रखा है। इस पर हम गोलियों को एक बार इस तरह से घुमा देते हैं और इसको थोड़ा सा फिर हाथ से ऐसे घुमाते हैं और सारा मैदा हम निकाल लेते हैं ऐसा। ये इस तरीके से, इस तरीके से बनने के बाद इसको हम तेल को गर्म करने के लिए रखा था, हम मीडियम फ्लेम में इसको ऐसा डीप फ्राई करते हैं। इसको हम डीप फ्राई ऐसा करते हैं और इस पर हमें अभी कुछ भी कलछल या कुछ भी अभी नहीं डालना है। इसको हम थोड़ा आराम से थोड़ा सा पकने देते हैं। इसी तरह हम सारी गोलियों को बनाकर कोफ्ते हम तैयार कर लेते हैं। और हमें रुक रुक के थोड़ा थोड़ा रुक के डालना है कोफ्ते कढ़ाई पे, जिसमें हमारे कोफ्ते एक के साथ एक चिपके नहीं और बहुत अच्छे कोफ्ते हमारे तल जाएं। बस इस तरीके से हम इनको स्टफ़ इनको थोड़ा सा मैदा ऊपर से लगा के हल्का सा। आप चाहे तो इसको मैदे की जगह कॉर्नफ्लोर भी, मैंने बताया था कि कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं, आप वो चाहे तो कर सकते हैं। कोटिंग बेसन की ना करें, नहीं तो आपके कोफ्ते पीले पीले दिखेंगे। तो ऐसा लगेगा ये जैसे बेसन के कोफ्ते हैं, उतने सुंदर नहीं दिखेंगे हमारे। हम इसको सफ़ेद दिखें थोड़ा सा अच्छे, तो इसलिए हम इसमें मैदे की या कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करते हैं। हमारा कितना परफेक्ट बना हुआ है, कितना परफेक्ट है ये। इस तरीके से हम दूसरे इस तरीके थोड़ा थोड़ा रुक के हम इसको हम साइड पे कर देते हैं। थोड़ा सा रुक के हम ये इस तरीके से कोफ्ते हम डालते हैं। हमें 2 से 3 सेकंड के लिए ऐसा हल्का हल्का सा रुकना है और फिर डालना है। और हमें उस पर भी इस तरीके से कलछल मुझे नहीं लगानी है या जो भी। ये देखिए, ये हम इसको निकाल रहे हैं। ये देखिए कितना कितना परफेक्ट, कितना मुलायम बना, एकदम बहुत मुलायम बना हुआ है ये। इसको बहुत हल्के हाथों से हम इधर से उधर पलटाते हैं, जिससे हमारे ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। ये देखिए, हमारे एकदम परफेक्ट कोफ्ते बनके तैयार हो गए। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। चलिए, मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, मीडियम फ्लेम है हमारा। और इसमें मैंने 1 बड़े चम्मच तेल डाला हुआ है और इस पर हम ये जीरा ऐड कर रहे हैं। ये 1 तेज़पत्ता, ये थोड़ी सी दालचीनी मैंने इस पर डाली है और ये कटे हुए प्याज हम ऐड कर रहे हैं। 1 बड़ा साइज का मैंने ये प्याज ऐड किया है इसको और इसको हम अच्छा गुलाबी होने तक थोड़ा सा भून लेंगे। जब तक प्याज रेडी हो रही है, हम इस पर मिक्सर पे ये मैंने 3 बड़े टमाटर लिए हैं, क्योंकि प्यूरी में टमाटर की मात्रा हम ज़्यादा कर रहे हैं। और ये 1 हरी मिर्च और ये 4 से 5 कलियां लहसुन की हम इस पर ऐड कर रहे हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा।
इसको हम मिक्सर पे पीस लेते हैं। हमने ये महीन में इसको पीस लिया है, ये हमारा पूरा पल्प तैयार हो गया है। ये हमने देखिए थोड़ा सा ब्राउन हो गई हमारी प्याज, थोड़ा इसको पक जाने दीजिएगा अच्छे से, तो जिससे हमारी प्याज खड़ी खड़ी नहीं दिखेगी मसालों के साथ। इसको हम ये पूरी तरह से पूरी हम ऐड कर देते हैं, ये हमने पीस के रखी थी। थोड़ा 2 से 3 मिनट हम इसको बढ़िया चलाते हैं। इस पे 2 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालते हैं, धनिया पाउडर थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया है इस पे, और ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ये हम ऐड करते हैं। इसको इस तरीके से चलाते हैं। 1 टीस्पून ये लाल मिर्च पाउडर है, हम ये काश्मीरी मिर्च हमने ऐड किया है इस पे, और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, और ये है हमारा गरम मसाला। इसको हम बढ़िया अच्छे से भूनेंगे जब तक हमारा तेल ऊपर दिखाई ना देने लगे, तब तक इसको हम थोड़ा सा मसाले को पकाएंगे। देखिए हमारे मसाले ने कितना अच्छा तेल छोड़ना शुरू कर दिया, और मैं थोड़ा सा इस पर काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। देखिए हमारा मसाला एकदम पक के तैयार हो गया, एकदम बहुत अच्छा इसे तेल छोड़ दिया, और ये बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ये मिक्सी के जार पे ही मैंने आधा कप पानी डाल दिया था इस तरीके से, अब मैं इसी को ऐड कर रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी हमारी बन के तैयार हो गई है, और ये हमारे कोफ्ते की ग्रेवी वैसे भी गाढ़ी होती है, हम इसे बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसको रोस्टेड भी रख सकते हैं, या थोड़ा सा हल्का सा पानी डालकर इसको पका सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम पकने के लिए छोड़ देंगे इसको ढक्कन लगाकर। ये हमारी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है, और हम इसको गैस को बंद कर देते हैं। थोड़ा ठंडे होने पर हम इस पर कोफ्ते डालेंगे, गरम गरम डालेंगे, कोफ्ते इतने मुलायम है कि वो इसमें फट जाएंगे, इसलिए हम इसको अलग अलग डालेंगे। हम इसको कोफ्तों को अलग निकाल कर इस पर ग्रेवी पे इस तरीके से देखिए ऐड करते हैं। इस हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे डेकोरेट करते हैं। ये देखिए हमारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं, इसे आप ज़रूर बनाइएगा, और कैसा बना आप मुझे इसको ज़रूर बताइएगा। ये देखिए कोफ्ते तैयार हो गए हैं। आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।